आज नए पाकिस्तान की गुड गवर्नेंस का एक और नमूना सामने आया है, जब एक छठा आईजी जो है उसको घर भिजवा दिया गया है और उसका कसूर यह है कि प्रोफेशनल आदमी है और वो कहता है कि वो पीएमएलएन के लोगों पर बेजा तशद्दुद नहीं करेगा, वो कानून के मुताबिक काम करेगा। लेकिन एक ऐसा सीसीपीओ जो एक जल्लाद किस्म की शख्सियत है और उसको स्पेसिफिकली ढूंढ के लाया गया है इस काम के लिए कि वो लाहौर के अंदर पीएमएलएन के वर्कर्स को जो है वो टाइट करे, उनके ऊपर तशद्दुद करे, उन्हें घरों से उठाए और आईजी पंजाब जो है उसको बाईपास करके ये कदम उठाया गया। अजीब बात है इस नए पाकिस्तान की, वज़ीर आज़म समेत किसी को रूल्स ऑफ बिजनेस का मालूम नहीं है, इनको चेन ऑफ अथॉरिटी नहीं मालूम कि वो क्या बला होती है। और बादशाह सलामत जो है वो जो दिल चाहता है वो करते हैं, वो लाहौर तशरीफ लाते हैं, नाश्ते में 3-4 पुलिस वाले खाते हैं, लंच में वो जो है वो 3-4 महकमों के सेक्रेटरी खा जाते हैं और ये इस तरह पंजाब चल रहा है। और ये सीसीपीओ की जो तकर्री है ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था कि अपने सियासी मुखालफिन को कुचलने के लिए ये सीसीपीओ लाया गया है। और अब इस बात के बाद अब आईजी पंजाब का इस तरह जाने से ये बात पे मोहर तस्दीक जो है वो सख्त होती है कि सियासी मुखालफिन को जो कुचलने का एजेंडा है उसके लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़े वो इमरान खान साहब देने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये भूल है इमरान खान साहब की, इस तरह से ना सियासी जज्बे ख़त्म होते हैं ना सियासी वर्कर्स ख़त्म हो सकते हैं। और ये इसीलिए इस नए पाकिस्तान में वो पंजाब में हो या वफाक में कोई प्रोफेशनल आदमी इस हुकूमत के साथ काम करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इनको अपने